हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रेखी साधना कैसे करें या रेखी से जुड़ने के बाद आप कैसे उसे जीवन में रोज़ अपनाएंगे और साधना करेंगे। रेखी से हम जुड़ गए हैं। रेखी के जुड़ने के बाद जो भी गुरु आपको शक्ति पास जिस भी तरीके से, चाहे आप घर बैठे रेखी सीख रहे हैं, चाहे आप उनके पास जाके सीख रहे हैं, जो भी तरीका आपको उचित लगे आप चयन कर लेते हैं और शक्तिपात ले लेते हैं। अब डेली में अभ्यास करना है तो अभ्यास के लिए आप जुड़ जाते हैं। अब आप ध्यान लगा के किसी भी समय जो आपको ठीक लगे आप समय निकालिए और 10 मिनट अपने को दीजिए। चाहे आप मंदिर में दीजिए, चाहे आप कहीं और बैठ के दीजिए, चाहे आप गार्डन में, कहीं भी, और शांतपूर्वक आप दीजिए जिसमें आपके पास कोई काम ना हो। 10 मिनट दीजिए और रेखी का आवाहन जो भी आपके गुरु ने जैसे सिखाया उस प्रकार कीजिए और आवाहन कर लीजिए। रेखी की दिव्य शक्ति आप पे बरसात करनी शुरू कर देगी। उसके पास आँख बंद करके ध्यान लगाइए। मैंने 7 चक्रों के लिए भी आपको दिया है नंबर, वो आप निकाल लीजिए। रिलीज़ के लिए भी दिया है, कर्मा रिलीज़ के लिए आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको बनाइए अपने नोट्स बना लीजिए और वो प्रोसीजर आप फॉलो कर लीजिए। लेकिन आपको शक्तिपात लेना ज़रूरी है। कभी कभी आप जो भी काम कर रहे हैं वो काम नहीं करता, इसका मतलब ये है कि आपने तो उचित शक्तिपात नहीं लिया है, या आप उस सिंबल की वाइब्स कर्मा आपके किसी कारण से ब्लॉक है, वो आप तक नहीं पहुंच पा रही है। तो आप उसका भी ध्यान कीजिए कि आखिर कहाँ पे कमी मुझसे हो रही है। अपनी स्वयं की कमियों को जानना कोई बुरी बात नहीं है, इससे आप निखरते ही हैं। सब कुछ जानने के बाद में आप चौकोरे बनाइए अपने हाथों में, अपने क्राउन चक्रा पे चारों तरफ, और आवाहन कीजिए। अगर आपको अपने घर की प्रोटेक्शन करनी है तो गेट पे चौकोरे बनाइए और वहाँ प्रोटेक्शन कीजिए और अपने जगह पे साधना में बैठ जाइए और एक बड़ा सा चौकोरे बनाकर आप विजुलाइज़ कीजिए कि आप उसके अंदर पूर्णतः सुरक्षित हैं, और 3 बार गहरी सांस लेते हुए अपने सांस पे अपना कॉन्सेंट्रेशन कीजिए और ध्यान लगाइए दिव्यता से, ध्यान लगाइए भव्यता पे चौकोरे की। जो लोग आगे के सिंबल्स से जुड़े हुए हैं, से रामा है और भी सिंबल्स हैं आपके से ही की है, तो वो उनसे भी अपना ध्यान लगा सकते हैं। और आगे हैं, मास्टर लेवल में गए हैं तो मास्टर की उनकी शक्तियाँ मिलती हैं, आप उनसे ध्यान लगाइए। बस शर्त ये है कि आप क्या सीख रहे हैं। चीटिंग से कोई भी आगे नहीं बढ़ता। मैं हमेशा कहती हूँ कि उचित सही तरीके से हर चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो के माध्यम से हम तरीके आपको बताते हैं, और उन तरीके को यदि आप सही तरीके से अपनाते हैं तो वो कुछ ही दिन में काम करना शुरू कर देते हैं। मगर इन वीडियो के माध्यम से आप दूसरे को ज्ञान देना शुरू करेंगे तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिए बने हुए हैं। हर वीडियो का मकसद आपको सुरक्षित करना, आपको दिव्यता देना है, आपको अभ्यास करना है, आपको अपने कर्मा रिलीज़ करने की रेखी जुड़ी है आपके कर्मा से, ना कि चलाकी से। इसलिए कर्मा का बहुत यहाँ ध्यान रखिएगा कि आप कौन सा कर्म उस वक्त कर रहे हैं और चुन रहे हैं। लोग एक दूसरे को फ़ोन कॉल करते हैं और वहाँ से बातें जानने की कोशिश करते हैं। अच्छी बातें आप जान रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है, मगर आप अपने आप को ध्यान से देखिए तो कहीं ना कहीं ब्लॉक भी कर रहे हैं इतनी जानकारी जो भी आप जानना चाह रहे हैं। इसलिए जो आप हैं, जो दिव्यता, जो जगह आपको मिली है, आप उससे आगे बढ़िए तो आप देखेंगे आपकी ऊँचाई, आपकी भव्यता बहुत आगे तक बढ़ेगी। ध्यान के समय आपको ये नहीं सब बातों का ध्यान लगाना है। ध्यान आप अपनी सांसों से लगा सकते हैं, आप सिंबल से लगा सकते हैं, आप किसी विचार से या गुरु मंत्र से भी लगा सकते हैं। किसी प्रकार से ध्यान लग सकता है, या गुरु के चरण कमलों का भी ध्यान करके आप ध्यान लगा सकते हैं। और कुछ भी ना मिले तो जो भी आप जिनको मानते हैं, अपना बड़ा, चाहे आपके माता पिता, आपके इष्ट मित्र, गुरु, जो भी कोई हो, आप उनसे भी ध्यान लगा सकते हैं। ध्यान की कोई समय या कोई लिमिटेशन नहीं होती। ध्यान किसी भी अवस्था में लगाया जा सकता है, मगर शर्त सिर्फ एक ही होती है कि ध्यान लगाते समय आपका चित्त एकाग्र हो। आपको अपनी प्राण ऊर्जा पर ध्यान लगाना होता है। 5 तत्वों से शरीर बनाया, प्राण 5 प्रकार की ऊर्जाओं से चल रहा है। इन बातों को धीरे धीरे जब आप आगे समझते हैं तो ध्यान लगना शुरू हो जाता है। सिंबल्स आपकी ऊर्जा शक्ति से चल रहे हैं, ये भी ध्यान का विषय है। जब गुरु आपको सिंबल देता है तो कितना भी दिव्य, कितना ही भव्य गुरु क्यों ना हो, जब आपको सिंबल देता है तो उस दिन की साधना बिल्कुल अलग रहती है, और धीरे धीरे आपकी साधना आपके कर्मों के अनुसार विभाजित हो जाती है और आप पे असर देना शुरू कर देती है। ये चयन आपका होगा कि आप किसको चुनते हैं।
आज मैंने बताया कि ध्यान कैसे लगा, ध्यान में किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर इन सभी बातों को इस छोटे से वीडियो में जो मैंने आपको जानकारियाँ दी, अगर आप इनका भी ध्यान कर लेते हैं तो आप देखेंगे आपके अंदर स्वयं ही बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आज मैंने आपको रेखी में ध्यान लगाना बताया। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।